अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं स्पाइसी पास्ता, जिसके लिए मैंने चीजें ली हैं 300 ग्राम चिकन, 500 ग्राम के करीब मैंने इसमें पास्ता लिया है, मैक्रोनी बॉइल्ड करके रख ली है, एक इसमें मैंने 1 टीस्पून के करीब मैंने अदरक लहसुन लिया है, 1 टेबल स्पून इसमें मैंने चिल्ली ली है, मतलब कुटी हुई लाल मिर्च, और ब्लैक पेपर लिया है मैंने 1 टीस्पून। ये मैंने एक गाजर ली है बड़ी साइज की, इसको कद्दूकस कर लें, टाइम बच जाता है। एक मैंने छोटी शिमला काट ली है, इसको भी मैंने जूलियन कट कर लिया है। ये पूरी प्लेट ऑप्शनल है, इसमें ओलिव्स हैं ब्लैक, मशरूम है और चिली है बारीक बारीक, इसको काट ली है। नहीं लेना चाहें कोई इशू नहीं है। विनेगर है, सोया सॉस है, चिली सॉस है और केचप है। अब इसी से हम बनाएंगे पास्ता। अब मैंने हंडिया में देखें 2-3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऑयल डाल लिया, ये सिर्फ स्टर फ्राई होगा सब कुछ, इसलिए कम लिया है। इसमें मैं चिकन ऐड करने जा रही हूँ। फ्राई कर लें इसको अच्छी तरह से, इसको फ्राई कर लें स्लो फ्लेम पर। जी स्लो पे फ्राई करिएगा, चिपक ना जाए। अदरक लहसुन इसमें ऐड करें, इसको फ्राई करें। अब इसके अंदर मैं गाजर ऐड करने चली हूँ। इसे कुछ लोग गाजर फ्राई कर लेते हैं पहले। हाँ वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं ये पहले चिकन को पकाती हूँ हल्का सा, फिर गाजर उसके बाद बारीक कर लीजिए। जी इसमें देखें ये फ्राई ही हो रहा है सब कुछ, ऑयल डाला हुआ था इसमें, ये सब कुछ फ्राई ही हो रहा है। अब मैं इसके अंदर शिमला डाल रही हूँ, ऐड करके फिर आप इसको फ्राई कीजिए, ये सब कुछ फ्राई हो रहा है। हंडिया बंद नहीं होगी, इसको ऐसे ही आप फ्राई करेंगे सब सामान को। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। अब मैं इसको फ्राई करने के बाद इसमें ये सब ऑप्शनल चीजें डाल रही हूँ, ब्लैक ओलिव्स, वाइट रूम और हरी मिर्च। जो लोग नहीं खाते वो ना लें, ना डालें, कोई ऐसा नहीं है। मशरूम डालेंगे तो बच्चे ही अच्छे तरह खाएंगे और उनकी हेल्थ ही बनेगी। मैंने यहाँ 1 टेबल स्पून के करीब सॉल्ट भी ले लिया है। अब मैं ये ब्लैक पेपर, सॉल्ट और कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसको फ्राई करें अच्छी तरह से, मिक्स कर लें इसको, है ना। हाँ, इस तरह से आप इसको मिक्स करके, अब मैं इसको 30 सेकेंड्स के लिए टैप कर रही हूँ। अब मैं कवर हटा रही हूँ, मिक्स करके देखें अच्छी तरह से ये कुक हो गया है। अब मैं इसमें सॉसेस डालूंगी, 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसके अंदर विनेगर डालूंगी, वाइट विनेगर, अपने सॉस के मतलब साथ में जितनी खटास आपको पसंद हो ऐड भी कर सकते हैं, इसके हिसाब से है। 1/2 टेबल स्पून के करीब इसमें सोया सॉस ऐड कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा और मैं ऐड करूंगी। ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सिर्फ आपके अपने टेस्ट पे डिपेंड करती हैं। ये सब ये फिर हम पास्ता इसमें ऐड करने के बाद हम टेस्ट करेंगे, फिर हम और अगर कम लगेगा तो और डाल देंगे। चिली सॉस इसमें ऐड कर रही हूँ, ये भी ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, डालें तो टेस्ट अच्छा आता है। केचप, यहाँ मैं केचप लूंगी, देखिए मैं थोड़ा केचप थोड़ा सा ज्यादा रखती हूँ इसके अंदर, या आप अपने बच्चों के टेस्ट के हिसाब से रखिएगा, कोशिश करें कि मतलब ऐसा रखें जो हर बंदा खा सके। तो हाफ कोशिश करें, हाफ कप के हिसाब से, हाफ कप से भी कम आप ले लें इसमें केचप ऐड कर। अब मैं इसके अंदर पास्ता ऐड कर रही हूँ, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि सारा मसाला और पास्ता एक हो जाए। अब देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, सब स्पाइसी एक हो चुकी हैं और मेरे हर चीज इक्वल है, मैंने चेक भी कर लिया है। अब इसको मैं कवर करूंगी 2 सेकंड के लिए ताकि सॉसेस भी अच्छी तरह से इसमें पक जाए। अब मैंने इसको डिश आउट कर लिया है, आप देखें कैसा लगा, आप लोग भी घर में ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह अच्छी आप लोग को टेस्टी लगेगी। बहुत ही जबरदस्त लग रही है मुझे तो, बेहतरीन बेहतरीन है।
प्लीज अगर आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड हम देसी फूड को जितना सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे अच्छी वीडियोस लेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।